परेशान कर दिया भाई ने, बिजली वालों ने भी। हेलो, हाँ भाई, ये बिजली दफ्तर का नंबर है ऑफिस का। है यार, पूरी रात होगी यार, दुखी हो गए यार, हमें भी काम धंधे पे जाना हो अगर यार, रात मुश्किल मिले, लाइट ही नहीं है यार, जबकि यार कितनी बार कंप्लेंट करूँ यार, एक बार बताओ ना। ऑनलाइन कंप्लेंट भी कर ली, कोई फोन ही नहीं उठाता, बारह बारह बार फोन मिला लिए। अगर आप मेरी आगे हिस्ट्री देखोगे ना कॉल की, तो पता चल जाए कितनी बार आपके पास फोन मिला लिया, आप फोन ही नहीं उठाते। यार से बहस नहीं करना चाहता, तुम कह रहे हो ना लाइन मैन चले हुए हैं, आप उन लाइन मैन का नंबर दे दो यार मुझे, यार बहुत परेशान हो गए हैं, भेजो जल्दी लाइन मैन का नंबर। ठीक है, हेलो, कहाँ रह गए यार तुम, बस आएंगे दो मिनट में आपके वहाँ, चलो आओ जल्दी आओ भाई। किसका फोन था? अरे भाई जो रात से फोन कर रहे हैं। दुखी कर रहे हैं यार, मारे बड़ा लाइन लगा है, फोन आप ही ने किया था क्या? आ लिए भाई तुम, यार क्यों परेशान कर रखा है तुम लोगों ने यार, एक बात बताओ ना, पूरी रात होगी यार फोन मिलाते मिलाते, ऊपर से तुम फोन नहीं उठाते, पता है हमें भी काम धंधे पे जाना होता है, पूरी रात होगी हमें। अरे भाई तो सिर्फ आप ही परेशान नहीं हो, आपकी गली में अधिकतर लोग परेशान हो रहे हैं, रात से लाइट नहीं है यहाँ पे। यार क्यों नहीं है लाइट यार, आप लोगों का काम क्या है? पता नहीं कोई फॉल्ट है, समझ नहीं आ रहा, हम भाई देख रहे क्या फॉल्ट है यार। एक बात बताओ ना, तुम इतने जने यहाँ नौकरी पे लगा रखे हो सरकार ने, तुम पढ़ के अपना सो जाते हो और यहाँ हम दुखी रहते हैं यार। आपको गुस्सा करना चाहते हैं पर हमारी बात समझो, हम भी क्या कर सकते हैं, हम भी रात से लगे पड़े, हम भी पूरी रात से सोए नहीं है यार, अभी को आ गए तो अभी तक लाइट नहीं आ रही यार, क्या फॉल्ट है एक बार बताओ ना। जब छोटा सा फॉल्ट है पता नहीं चलता ना, फॉल्ट लगा दो तुम अपने, उसका एसडीओ का नंबर दो या जेई का नंबर दो। वो तो बिजी होंगे यार, फिर मैं क्या करूँ, बिजी होंगे, जल्दी नंबर दो, मैं आप बात करूंगा उनसे। बोले सर यार, दे दे यार, पूरे दिन का सर्दी दिमाग खराब कर रहा है, सही देख ले लो नंबर। बोल भाई नंबर बोल। 92। हाँ हाँ ठीक है, क्या नाम है इनका? सुमित। ठीक है भाई, इनको ही बोलना पड़ेगा मुझे। किसका फोन आ गया? हेलो हेलो, नमस्कार जी। हाँ जी, एसडीओ साहब बोल रहे हो? सुमित। हाँ हाँ बोल रहा हूँ यार, एक बात बताओ ना यार, ये छोटराम चौक से बोल रहा हूँ मैं यार, पूरी रात होगी लाइट नहीं है, अभी देख लो क्या टाइम हो गया। ए भाई साहब, साइट पे ही खड़ा हूँ, गली में ही खड़ा हूँ, करा रहा हूँ, खुद खड़ा हुआ काम करा रहा हूँ भाई, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है यार। नहीं नहीं, ना आपके लाइन मैन सुनते, ना कोई भी नहीं सुनता, उनको फॉल्ट का ही नहीं पता यार। बात आपकी ठीक है भाई, सारे लाइन मैन लगे हुए हैं, आप एक काम कीजिए, आप यहीं आ जाइए, प्रगति नगर में ही खड़ा हूँ, यहीं आ जाइए, आप खुद आके देख लीजिए ना कि क्या काम चल रहा है क्या काम नहीं चल रहा, आप एक बार आ जाइए देख लीजिए भाई, आ जाओ। चलो मैं देखता हूँ, आता हूँ, आप कहाँ मिलोगे मेरे को? चलो मैं आ रहा हूँ जी, आ रहा हूँ। अरे यार, छोटे से फॉल्ट के लिए कितना टाइम लगाएगा भाई, फटाफट निपटा देना इसको, तार मंगा नहीं फटाफट, दिक्कत कहाँ रही है, करा दे भाई, करा फटाफट। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, आप ही हो सुमित भाई? हाँ जी, हाँ जी भाई, भाई साहब बहुत परेशान। हाँ हाँ, मैंने किया था फोन भाई साहब, देखो आप क्या गिर लगे हुए मिस्त्री, भाई साहब बहुत परेशान हो गए बिजली से, मजाक नहीं भाई साहब, मैं खुद परेशान हूँ, आप मेरे को कहते ना मैं रात भर सोया नहीं, मैं भी नहीं सोया भाई साहब, मैं भी एक काम, दिन भर तो बिजली का काम करते हैं, रात को तो हम नागरिक होंगे हम भी, मेरे घर पे भी लाइट नहीं है भाई, मेरा भी 2 साल का बेटा है, वो भी गर्मी में सोया है। क्या ये क्या फॉल्ट हो रहा है भाई साहब, ऐसा कुछ क्या हो रहा है? लोड लगाता नहीं, कोई एक्यूरेट कितना है कितना नहीं है, अभी जितने घर में किसी घर में जाके पूछ लो, सब कहेंगे हमारा तो एक एसी चले जी, 2 किलोवाट है, 3-3 एसी चलाते हैं, दिन रात एसी चलते हैं, लोड कम बताते हैं, ट्रांसफार्मर फूक जाते हैं, अब देख लो सारा तार सड़ गया लोड के कारण, बताओ किसका किसकी गलती माने, किसके घर पे पेनल्टी लगाएं, किसी के घर पे पेनल्टी लगा सकते हैं? नहीं ये सही बात है कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते, सरकारी कर्मचारी करे तो करे क्या भाई, गर्मी इतनी 50 डिग्री टेम्परेचर है, खड़े खड़े तेल निकल रहा है भाई लोगों का। अच्छा ये जो ये वोट बढ़ा देते हैं, किलोवाट बढ़ जाता है, उसकी वजह से फूके गए? बिल्कुल उसी के, उससे भाई अवेयरनेस की दिक्कत है, लोगों को समझ में नहीं आता, वोट बढ़ाना चाहिए भाई, आपके घर पे 2 AC है, उस हिसाब से आप मिनिमम से मिनिमम 5 किलोवाट का तो होना चाहिए आपका कनेक्शन, 2-2 किलोवाट के कनेक्शन। ये बात तो सही कह रहे हो, मेरे पड़ोस में भी ऐसा ही है कि 3-3 AC है और वो लिखवाते 2 या 3 किलोवाट है। हर गली हर चौराहे का यही काम है, हर जगह ऐसे ही हो रहा है।
तो ये कब तक ठीक होगा? ये तो 5 मिनट में हो गया, बस तार मंगा दिया। फिर इसके ऊपर आप कोई एक्शन क्यों नहीं उठाते? भाई एक्शन कहाँ उठाया हूँ। तो एक बार दोबारा सर्वे करना चाहिए ना आप लोगों को कि भाई किस किस घर में कितना किलोवाट है, उसी हिसाब से गर्मी निकल जाएगी ना। इसके बाद यही सर्वे करने के लिए बोला मैंने, आगे डाला मैंने भी एप्लीकेशन, एक सर्वे की टीम दीजिए, चेकिंग करेंगे, चेक उसे पता चलेगा कितना पता लग जाएगा। फिर उसके हिसाब से आप ये जनरेटर ये रखोगे, आप ये ट्रांसफार्म उसी के हिसाब से रखेंगे। और अब की बार ना मोटा जुर्माना लगाएंगे सबके ऊपर, जो काम नहीं करेगा मोटा जुर्माना। हम खुद परेशान है भाई साहब, करेंगे। चलो कोई नहीं भाई साहब, कब तक आ जाएगी ये? आधा घंटे में आपके घर जाने से पहले लाइट आ जाएगी। चलो भाई साहब एक बात तो देखिए, हर बंदा आप जैसा नहीं होता ना। तो मैंने सरकारी कर्मचारी जो देखे हैं, बड़े अफसर, वो अपना ऑफिसों में ही रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है बाहर क्या चल रहा है। तो ग्राउंड वाले बंदे हैं, ग्राउंड पे खड़े हुए काम कर रहे हैं। भाई कर दूं सर को कमिटमेंट, आ जाएगी 5 मिनट में। चलो आ जाएगी भाई। चलो थैंक यू भाई साहब, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा।